और अब आपको इंदौर की खबर का अपडेट बता दें, युवक को गोली मारने को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने जिम से बाहर निकलते समय युवक को गोली मारी थी। अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस अब आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। तो इंदौर में दिन दहाड़े किस तरह से एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। जिम से युवक बाहर निकल रहा था, उसी दौरान उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मारपीट के बाद अब आप देखिए दिन दहाड़े किस तरह से जिम से बाहर निकल रहे एक युवक पर फायरिंग कर दी गई थी और फायरिंग के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निहारिका, लगातार इंदौर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब तो हद ही हो गई। दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग की जा रही है। जिम से युवक निकल रहा था, उसे गोली मारकर घायल कर दिया गया। क्या कुछ खुलासा हो पाया है, क्योंकि अब आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ में क्या खुलासा हुआ और इसके साथ आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई है? जी देखिए, बिल्कुल, जो आरोपी है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की वारदात है, जहां पर जिम से बाहर निकले एक व्यक्ति के ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई थी उसे, और उस दौरान उसके ऊपर गोली चलाई गई थी जो उनके हाथ पे लगी, लेकिन उसे मारने की जो नीयत थी वो जान से ही थी। और ऐसे में जो आरोपी था अथर्व और उसके साथ ही षड्यंत्र में जो मिला हुआ था मोंटू, दोनों को ही पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो जा रही है। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है इसमें कि 31 लाख का जो नकली सोना था, उसकी धोखाधड़ी का जो मामला था, उसमें कुछ समझौते की बात चल रही थी और ऐसे में मामला नहीं बना, जिसके चलते जो आरोपी है उन्होंने ये जो व्यक्ति था जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी उसको मारने की कोशिश की। ऐसे में जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद ली। सीसीटीवी कैमरा में ये जो आरोपी है वो नजर आया और ऐसे में पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंची है। उसके साथ ही मोंटू जो उसके षड्यंत्र में मिला हुआ था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ये नकली सोने वाला मामला जो है वो निकलकर सामने आया था। इस तरह के और भी कई मामले जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जो वारदात है ये हाल ही में जरूर हुई है, लेकिन इनकी जो अनबन थी वो काफी समय से चल रही थी और ऐसे में ये जो दोनों थे अथर्व और मोंटू, इनकी प्लानिंग भी काफी समय से चल रही थी, जिसके बाद इन्होंने जिम से जैसे ही वो व्यक्ति निकला था तो उसको जान से मारने की कोशिश की। हालांकि वो बच गया, उनके हाथ पर गोली लगी है, लेकिन वो घायल जरूर है, गंभीर घायल है, लेकिन ऐसे में जो सर है उससे भी कराकर उससे पास से भी गोली निकली थी, तो ऐसे में काफी चोटें जो है उनको जरूर आई थी। तो अभी फिलहाल उनसे ज्यादा बातचीत पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ, मोंटू और अथर्व जो है उसे पुलिस ने जरूर गोली वो अरेस्ट कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जी ठीक है निहारिका, आप भी नजर बना के रखिएगा, अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, और भी कई बड़े खुलासे होंगे। शुक्रिया।